हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आप सभी के लिए साइंस की प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट की जा रही है और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे रखे गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सके, और सारे ही क्वेश्चन को हम आपको एकदम डीप में बताने वाले हैं जिससे कि ये 25 क्वेश्चन आपके यहीं से कन्फर्म हो जाए, यानी कि आज के आज ही आपको ये 25 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और इसकी ये है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपको अपना सपोर्ट शो करना है, और कमेंट करके आपको अपना रिस्पांस भी आज बताना है कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए, ओके। और आप सभी की डिमांड पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉइड ऐप पे भी रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे आपको दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन मिल जाएगा। ये क्विज डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड हो जाती है, तो इस क्विज को देकर के आप लोग अपनी रैंकिंग क्या आ रही है, कितना आपने स्कोर किया और आपको करने में कितने टाइम लगे, सब कुछ यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉइड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ, ऑडियो सेक्शन और क्विज काफी कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं, ठीक है। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिसने अभी तक परचेज नहीं किया इसको परचेज कर लीजिए, ये आपके आने वाले सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको ए टू जेड कंप्लीट मैथमेटिक्स दिया जा रहा है, बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया गया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोगों को कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स बताना है कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे है। मानव शरीर के किस ऊतक में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि मानव शरीर का कौन सा ऐसा ऊतक है जहाँ पर रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रेटिना, पुतली, कॉर्निया और आयरिस। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव शरीर के कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आइए हम आपको एकदम डिटेल में बताते हैं कॉर्निया क्या होता है, रेटिना, पुतली ये सब क्या होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉर्निया जो होता है इसी भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, और आँखों के दान में भी हम क्या करते हैं तो कॉर्निया को ही दान करते हैं, ठीक है। आँखों के दान में क्या करते हैं तो कॉर्निया को दान किया जाता है। कॉर्निया की लोकेशन देख लीजिए, देखिए सबसे आगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, तो ये कॉर्निया है, और यहीं से होते हुए प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। अब रेटिना देखिए क्या होता है, तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना कहाँ पे होता है, तो देखिए साइड साइड में ये जो किनारे पे पाई जा रही है ये है रेटिना, और रेटिना पे ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसको भी याद रखेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पुतली क्या होती है, तो पुतली जो होती है मानव की आँख में या क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कम प्रकाश में पुतली क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और तीव्र प्रकाश में पुतली क्या होती है, तो छोटी हो जाती है, ठीक है। पुतली कहाँ पे है, तो देखिए ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए बीच में ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, यही है क्या पुतली, ठीक है। ये क्या करेगी, कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है और तीव्र प्रकाश में छोटी हो जाती है, यानी कि यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इतना समझ में आया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, आयरिस की वजह से क्या होता है, आँखों के रंग का निर्धारण होता है, यानी कि किसी की आँख का कलर आपने देखा होगा ब्लू है, किसी का ब्राउन है और किसी का ब्लैक होता है, तो यह किसकी वजह से डिफरेंट होता है, तो ये आयरिस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन में एकदम डिटेल में सारा कुछ समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग यानी कि वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ का संवेग क्या होता है। तो पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और ये बराबर होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि मास हो गया, और वी से क्या हो गया, तो वेलोसिटी यानी कि वेग हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि संवेग यानी कि एम वी और उसके वेग यानी कि वेलोसिटी वी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपका वी से वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ एम। इसका मतलब क्या हो गया, मास यानी कि द्रव्यमान। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए क्या है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेत प्लेग को हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं। अब क्षय रोग किसकी वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, उसके बाद इस रोग के लक्षण क्या हैं और इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आइए हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। श्वेत रोग को हम लोग क्षय रोग, तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, यक्ष्मा और काका रोग के नाम से जानते हैं।
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस नाम से स्पष्ट है कि यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया कि 6 रोग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो यह जीवाणु मुंह से थूकते समय बाहर निकलते हैं और इसमें रोगी को बार बार खांसी आती है तथा बलगम व रक्त भी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गए इस रोग के लक्षण। अब इसके रोकथाम के लिए कौन सी औषधियाँ होती हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और PAS, ये सभी क्या हैं? इसकी औषधि होती हैं। और 6 रोग के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए, यानी कि रोगों को जागरूक करने के लिए, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ओके। और इसके द्वारा प्रभावित अंग क्या होते हैं? तो इसके द्वारा प्रभावित अंग मेनली फेफड़ा होता है। वैसे तो ये शरीर के पूरे अंग को प्रभावित करता है, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग होते हैं ये होता है फेफड़ा यानी कि लंग्स, ओके। तो यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे मजबूत जो प्राकृतिक रेशा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेशम, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध कितना होगा यदि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दो समान प्रतिरोध का मान 80 ओम के बराबर है? तो श्रेणी क्रम में हमने दो समांतर प्रतिरोध को जोड़ा तो उसका कुल मान जो है वो 80 के बराबर आ रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि समांतर क्रम में अगर हम इन्हीं प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उसका समतुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में हम लोग किसी प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं? R1 + R2, यहाँ पे दो प्रतिरोध बोला है तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे बोला है दोनों समान है तो दोनों क्या हो गए, मान लीजिए दोनों R1 हो गए, ठीक है। दोनों समान है तो दोनों R1 हो गए और इसकी वैल्यू आपको कितने के बराबर दी गई है? 80 ओम के बराबर दी गई है। अब यहाँ से R1 + R1 कितना हो जाएगा? 2R1, 2R1 बराबर हो गया 80 के। तो यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लोगे 80/2 करके तो कितना आ जाएगा? तो R1 की वैल्यू आपकी आ गई 40, ठीक है। यानी कि 40-40 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे उसका मान आ रहा था 80, और आपको निकालना है कि अगर इन्हीं प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा। तो आइए देख लेते हैं समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में हम लोग निकालते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 से, इस तरह से आपका निकाला जाता है समांतर प्रतिरोध। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की समान है तो दोनों की 40-40 आ गई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 1/40 + 1/40। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 40 ही आएगा, और ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2। तो 2/40 यानी कि आ गया 1/20, और ये 1/20 किसके बराबर है? तो ये बराबर है 1/r के, ठीक है। हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 1/r = होता है 1/R1 + 1/R2। तो ये 1/r की वैल्यू क्या आई है? 1/20 आई है, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई? तो r की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगी 20, ठीक है। तो आपका समांतर प्रतिरोध में जोड़ने पे जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 20 ओम के बराबर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो समांतर क्रम में अगर हम 40-40 ओम के दो प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उनका जो समतुल प्रतिरोध होगा ये होगा 20 ओम के बराबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें उपयोग किया जाता है नियॉन गैस का, ठीक है। अब नियॉन गैस क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। नियॉन जो है ये पीरियडिक टेबल का 10वां तत्व यानी कि एलिमेंट होता है, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग एनी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह साधारण कमरे यानी कि रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पर नियॉन किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और यह क्या है? तो यह नोबल गैसों में से एक है, यानी कि अक्रिय गैस इसको कहा जाता है, और यह रंगहीन गंध रहित और निष्क्रिय गैस होती है। 10वां एलिमेंट है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2.8। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि नियॉन की वैलेंसी क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये सभी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमको ऑक्सीजन मिल रही है वो किसकी वजह से मिलती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह मिलती है वाटर की वजह से, यानी कि जल की वजह से, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह रूट्स के द्वारा पौधे जो हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है।
तो यानी कि पौधे अपनी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मौजूद होता है, तो इन सभी का इस्तेमाल करके जो पेड़ पौधे होते हैं ये ग्लूकोज और क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है किसकी वजह से प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है वाटर की वजह से। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसी इंसान को दूरदृष्टि दोष है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट यानी कि पास की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसी को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। और इसके ठीक करने के लिए यानी कि इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का सुझाव दिया जाता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का सुझाव हम लोग देते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आइए हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं कि निवारण के लिए क्यों उत्तल लेंस का सुझाव दिया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। दूरदृष्टि दोष जिसको है वहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, और उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, रेटिना पर बनाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया गया और अब प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, तो अब प्रतिबिंब बनने लगा रेटिना पे। तो इसीलिए दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ठीक इसी तरह से निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है और उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करके प्रतिबिंब को क्या करते हैं, तो रेटिना पर बना दिया जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आंखों का दृष्टि का जो स्थायित्व होता है यानी कि परसिस्टेंस ऑफ द विजन, यह कितना होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि होता है 1/16 सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। परसिस्टेंस ऑफ द विजन कितना होता है, तो ये होता है 1/16 सेकेंड। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। भौतिक विज्ञान की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए यांत्रिकी की वह शाखा जो परमाणु कणों की गति और पारस्परिक क्रिया के गणितीय विवरण से संबंधित है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ऊर्जा, तरंग कण द्वंद, अनिश्चितता सिद्धांत, इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पर वायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज का परिवर्तन एटीपी यानी कि एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होता है, जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए इसको ऊर्जा का सिक्का या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और मनुष्यों में यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यकृत की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, यह अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए पाया जाता है ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर से याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि बल एफ है, विस्थापन एस है और उनके बीच का जो कोण है ये थीटा है, तो हमने मान लिया ये रहा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस, और फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है एफ, उनके बीच का एंगल क्या है, तो ये है थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके द्वारा किया गया वर्क डन यानी कि कार्य क्या होगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि बराबर होगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा के। ठीक है, एफ हो गया फोर्स, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और थीटा हो गया उनके बीच का एंगल, तो किया गया कार्य बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा ऐसा ग्लैंड होगा जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, तो सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि ये क्या होती है, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है।
शरीर की ग्रंथियों को यह नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका आकार क्या होता है? तो 1.5 सेंटीमीटर व्यास का आकार होता है। और इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन लगभग होता है 0.6 ग्राम के बराबर। ठीक है, इसका आकार आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, और इसका आकार जो है ये एक मटर के दाने के आकार का होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये एक मटर के दाने के आकार का होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। क्या होता है शुष्क सेल? तो प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, जो आप लोगों ने देखा होगा रिमोट की बैटरीज हो गई, घड़ी में जो बैटरी लगाई जाती है, वो सब कैसी सेल हैं? तो वो सब प्राइमरी सेल होती हैं। और प्राइमरी सेल में लगभग इस्तेमाल किया जाता है ड्राई सेल का यानी कि शुष्क सेल का। ठीक है, तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। और इसका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वह क्या होती है? बेकार हो जाती है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो ड्राई सेल होती है इसमें एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड जो है ये ग्रेफाइट का बना होता है, और एनोड जो है ये जिंक का बना होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है कि किस ऊतक के माध्यम से भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोएम के माध्यम से भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। भोजन या फिर पोषक तत्व तो बोलेगा तो इसका आंसर फ्लोएम करेक्ट होगा। और जाइलम के माध्यम से क्या होता है? तो जाइलम के माध्यम से पौधों के विभिन्न अंगों तक जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है जाइलम, तो आप लोग याद रखिएगा जल, और फ्लोएम हो जाएगा तो फ्लोएम के माध्यम से भोजन और अन्य पोषक पदार्थों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो कौन सी भौतिक मात्रा ऐसी है जो अपरिवर्तित रहती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं, वो चेंज नहीं होगी, यानी कि वह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर सकता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाइवेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को बदल देता है। किसमें? तो ये ग्लूकोज को बदल देता है एथेनॉल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या है। बल का वह प्रकार जो गति का विरोध करता है और तापीय ऊर्जा को मुक्त करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे घर्षण बल, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है? तो यह दो बिंदुओं के बीच संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में चलता है। लेकिन गतिक घर्षण क्या होता है? तो गतिक घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या करता है? स्पर्शी गति का विरोध करता है। ऐसा कौन सा बल है? तो यह है घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सभी परितंत्रों के लिए ऊर्जा का स्रोत और विकिरण, जिसे स्वपोषी अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं और जैव पदार्थ के रूप में उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है ना, ये पिगमेंट का कार्य करता है। ठीक है, देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्लोरोफिल यह एक वर्णक होता है जो पत्तों के हरे रंग का कारण होता है, यानी कि पिगमेंट का कार्य करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का एक प्रमुख वर्णक भी होता है, और इसे हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। यह किससे किससे मिलकर बना होता है? तो यह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा डैश हो जाती है, यानी कि उसकी संभावित ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे
तो उसकी संभावित ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, संभावित ऊर्जा यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है एम जी एच के। यहाँ पे एम क्या है? तो एम मास यानी कि द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच है उसकी ऊंचाई। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हाइट के। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसकी हाइट तो बढ़ ही रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो उसकी संभावित ऊर्जा क्या होगी? तो संभावित ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग क्यों होता है इसको समझ लीजिए। तो देखिए आँख में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल। रॉड सेल कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, और रॉड सेल का कार्य क्या होता है? तो यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताती है, साथ ही साथ एकदम मंद प्रकाश, कम प्रकाश में आपको वस्तु को देखने में सहायता करती है। और रॉड सेल के चारों तरफ में क्या होती है? तो यह रेडॉप्सिन की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, यह रेडॉप्सिन की लेयर कैसे बनती है? तो यह विटामिन ए की वजह से ही बनती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा होगा कि रॉड सेल के जो चारों तरफ रेडॉप्सिन की लेयर पाई जाती है यह विटामिन ए की वजह से ही बनती है। अगर विटामिन ए कम होगा तो रेडॉप्सिन की लेयर भी कम बनेगी, और रेडॉप्सिन की लेयर कम बनेगी तो आपके रॉड सेल सही से कार्य नहीं कर पाएगी, और जब रॉड सेल सही से कार्य नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? रातों में हमको सही से नहीं दिखेगा, तो रात में सही से नहीं दिखेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से निकलता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है स्लाइडन और स्वान के द्वारा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने अपने खोज के आधार पर कोशिका के बारे में जो मत प्राप्त किए हैं उसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये क्या है? तो इनके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और प्रत्येक नई कोशिका यानी कि न्यू सेल जो होता है उसका निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी भी प्रकार की कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म के बाद मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में कोई भी विभाजन नहीं होता है। ठीक है, क्या होती है तंत्रिका कोशिका, ये इसको देख लेते हैं। तो देखिए तंत्रिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और ये रहा तंत्रिका का स्ट्रक्चर। देखिए आगे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग डेंड्राइट के नाम से जानते हैं, और जो इसके पीछे का भाग होता है इसको हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है कि चेचक के टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और विश्व में इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। ठीक है, तो इसका आविष्कार करने की वजह से इनका नाम विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो होप्स आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कल से आपको लास्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और आज आपको क्या करना है? आज आपको अपना रिस्पॉन्स बताना है, वीडियो का फीडबैक देना है कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, तो जल्दी से आपका जो भी रिस्पॉन्स हो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।